सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त पूरे जनपद में कितने विद्यालय संचालित हो रहे हैं और जो विद्यालय अपने आप को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त बता रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सीबीएसई बोर्ड कर रहा है, इस बात की जानकारी सिटी कोऑर्डिनेटर द्वारा दी गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। पूरे जनपद में प्राइवेट विद्यालयों की अगर बात करें तो प्राइवेट विद्यालयों की संख्या सैकड़ों में है और यह सभी प्राइवेट विद्यालय इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगाकर विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं। कुछ विद्यालय अपने आप को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर संचालित करना बता रहे हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से पूरे जनपद में सिर्फ 36 विद्यालय मान्यता प्राप्त है और एक विद्यालय आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। बाकी के जो विद्यालय अपने आप को सीबीएसई बोर्ड से संचालित बता रहे हैं वह सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। सीबीएसई बोर्ड चार जनपद के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राममोहन ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है और उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त लगभग कितने विद्यालय हैं? मैनपुरी जनपद में पूरे में अबाउट 36 विद्यालय हैं जिन्हें सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिल गई है। एक विद्यालय है जिसे आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिली हुई है, सेंट थॉमस, और सभी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता मिली हुई है। तो इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम के 37 विद्यालय पूरे जनपद में हैं जिनको सीबीएसई एंड आईसीएसई से मान्यता प्राप्त है, जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं। कई ज्यादातर विद्यालय देखे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे विद्यालय चल रहे हैं वो सारे विद्यालय इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगाते रहते हैं। देखिए, ये हमारे में मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी कमी है हमारी कि हम लोग छोटे छोटे विद्यालय खोल लेते हैं और विद्यालय खोल के उनको उनमें केवल ये लिख देते हैं कि पैटर्न ऑफ सीबीएसई या विल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होएगी भविष्य में, वो लिख देते हैं टू बी एफिलेटेड, और टू बी एफिलेटेड का लोग मतलब निकालते नहीं, सोच लेते हैं सीबीएसई का स्कूल है, छोटी छोटी बिल्डिंगों में और इसमें चल रहे हैं जहाँ पर ना प्रॉपर क्लासरूम है, ना जहाँ पर प्रॉपर फील्ड का मैदान है, ना ही कुछ है। ऐसे स्कूलों को रुकना चाहिए, सीबीएसई इसमें बहुत बड़ा वो ले रही है। अगर किसी भी एक स्कूल का किसी को पता चल जाएगा कि ये स्कूल इस तरह के बच्चे दूसरे विद्यालय में बैठाता है या कहीं बैठाता है, तो जिस विद्यालय में बैठाता है उसकी भी मान्यता जाएगी और ऐसे विद्यालय को उस नाम से जो चला रहा है उसको किसी भी कंडीशन में मान्यता नहीं मिलेगी। इसमें जिला प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के विद्यालय को खोजा जाए और उन पर एक्शन ली जाए, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभी आपको बताया कि यूडाइस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है। यूडाइस में हर बच्चे का पैन पी परमानेंट एजुकेशन नंबर लेना जरूरी है। ऐसे बहुत से बच्चे इस बार हम देख रहे हैं कि किसी विद्यालय को यूडाइस मिला ही नहीं था, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था कि मुझे मान्यता प्राप्त है, लेकिन जब उससे टीसी मांगी गई और पैन नंबर मांगा गया तो वो फेल है पैन नंबर देने के बाद, उसके पास यूडाइस नहीं तो पैन नंबर नहीं दे सकता है। तो ऐसे जो विद्यालय चला रहे हैं सर, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये हाँ, पक्का बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में निकले हैं तो पहले प्रॉपर मान्यता लीजिए, मान्यता लेने के बाद विद्यालय चलाइए और बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा और अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करिए।